आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम मोदी ने पुरस्कार में मिली 1,30,00,000 की रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश भी दिया कि अब दुनिया में आतंकवाद के खात्मे का वक्त आ गया है। अब बातों का समय निकल चुका है। सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने जो प्रण लिया वो करके भी दिखा दिया। आज दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ है। राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के आक्रामक अभियान का ही असर है कि आज दुनिया भारत की बात न सिर्फ सुन रही है बल्कि भारत के रास्ते पर चलने लगी है। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश जिस तरह की साजिश रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। आतंक के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख की वजह से सिर्फ 8 दिन के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। 15 देशों के इस संगठन में चीन भी शामिल है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ इंटरनेशनल बैन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश कर सकते हैं। अमेरिका ने हमले को भयावह कहा। न्यूजीलैंड ने आतंकी हमले को लेकर निंदा कर प्रस्ताव पारित किया। अर्जेंटीना ने भारत का साथ दिया। इजराइल ने भारत को हर तरह से मदद की बात की। तो पुतिन ने भी कहा आतंकियों को सजा देना जरूरी है। नए हिंदुस्तान में पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बदल गई और अब भारत के साथ दुनिया भर के देश आतंक से आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।